द जोगी एक्सपीरियंस एक मनोरम जोड़ी बैंड है जो सूफी, इंडी और ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस का मिश्रण लोगों तक पहुंचाता है। द जोगी एक्सपीरियंस के लिए सूफी संगीत एक उत्कृष्ट प्रार्थना है जो गहरी भावनाओं और आध्यात्मिक संबंध का आवाहन करता है। कई वाद्य यंत्रों में उनकी महारत ने 500 से अधिक शोज में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है और उनका यही जादू पुणे के COEP कॉलेज में एक फेस्ट इम्प्रेशंस 2023 में भी चला। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शक उनसे तृप्त ही नहीं हो सके। चलिए जानते हैं द जोगी एक्सपीरियंस से कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस उनके पहले कॉलेज शो में। तो जोगी एक्सपीरियंस ये कैसे स्टार्ट हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग? सो जोगी एक्सपीरियंस को तो एक साल हो गया आई गेस, इट्स नाउ अ ईयर। और मैंने जो नहीं स्टार्ट किया, सो हम दोनों ही इंडिविजुअली 11 साल से वी आर इन टू म्यूजिक, काफ़ी टाइम से काफ़ी काफ़ी बैंड्स बने, काफ़ी लोग मिले निकले, बट हम दोनों ऐसे जो वी स्टक टुगेदर पहले से ही 11 साल से। एंड हाँ, देन वी स्टार्टेड डुओ शोज चालू किए हमने, दैट्स हाउ वी फॉर्म द जोगी एक्सपीरियंस। उससे पहले वी बोथ यूज्ड टू परफॉर्म साथ में कभी कभी, मतलब अलग अलग बैंड्स के साथ एंड ऑल। और उसके बाद वी स्टार्टेड दिस जोगी एंड पार्टी जो कि 6 महीने हुए। पहले 4 महीने हमने सिर्फ प्रैक्टिस की, फॉर्म किया एक कि यू नो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको कैसे कैसे आर्टिस्ट चाहिए साथ में। एंड देन मिलते गए सब लोग धीरे धीरे और अचानक से पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग आपको हर जगह बुला रहे थे परफॉर्म करने के लिए। जब खुद का नाम होते देखा तो क्या फीलिंग्स आई थी मन में कि वी फाइनली हिट इट, वी फाइनली देयर? नहीं, वैसा तो अभी तक सेटिस्फेक्शन कभी हुआ नहीं है उसके लिए मुझे। आई डोंट थिंक कि यहां ऐसे किसी को भी ऐसा हुआ होगा कि वी डिड इट, क्योंकि ऑनेस्टली अभी भी जितना म्यूजिक आता है वो इट्स राय के दाने के बराबर भी नहीं है ऑनेस्टली बताएं तो भी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है ऑब्वियसली। बट हाँ, बट ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के पीछे आप लग जाते हो तो फिर कुछ ना कुछ तो हासिल डेफिनेटली हो गई। बट हाँ, कुछ मानते नहीं हम खुद को ऐसे ज़्यादा। यस ओके, आप लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं फॉर अ कॉलेज परफॉर्मेंस, दैट टू पुणे में पहला परफॉर्मेंस है ऑल टुगेदर। सो यहाँ का क्राउड कैसा लगा COEP का? COEP का क्राउड यहाँ पहले से ही अमेजिंग था, सो इवन बिफोर स्टार्टिंग द शो इतना मस्त रिस्पॉन्स था कि हाँ यार, दे आर वेरी हार्ड फॉर वेलकमिंग लोग। एंड अगेन टीम इम्प्रेशन जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया सब कुछ, इट वॉज वेरी स्मूथ और बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस था। एवरीथिंग वॉज नाइस। कॉलेज में जब ये घुसे तो कैसा लगा? क्योंकि कॉलेज से निकल के आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है, कुछ लोग शायद से अभी अभी निकले हैं, कुछ पहले से ही निकल गए, तो कौन सी मेमोरीज आई, नॉस्टैल्जिया कॉलेज फेस्ट? हाँ यार, कॉलेज फेस्ट वाज लाइक कि हाँ यार, वो वहाँ पर पुराना, मतलब 5-6 साल पीछे चले गए सीधा। मैंने वही बताया स्टेज पे कि यार, जैसे ही यू नो एंटर हुआ मैं कॉलेज में, पहुंच गई, बहुत मजा आया। बहुत कुछ लोग तो अभी कॉलेज में हैं हमारे, उनका एग्जाम एग्जाम सो 8 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे हमारे तबला प्लेयर जनाब विजय सर एग्जाम देने पाएंगे, तो उनका तो अभी तक मस्जिद खत्म हुआ भी नहीं। उनका तो ऐसा है कि हाँ अभी करेंगे, हम भी करेंगे। तो मूड आई वगैरह में गए हैं वो? कहाँ पे मूड आई? मूड इंडिगो? नहीं, अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी था मूड इंडिगो के लिए, लेकिन उसी टाइम पे हमारा दूसरा कॉलेज वर्क आ गया, कॉलेज फेस्ट ही आ गया था। अच्छा, तो खुद ही के कॉलेज फेस्ट में लग गए, मैनेजमेंट ने तो वहां ही कर दिया। और आप लोग खुद का कोई कंपोजिशन करने का सोचेंगे कभी, या फिर कंपोजिशंस में क्या प्लान्स हैं? सो मैं ना थर्ड जनरेशन बैंड मार्केटिंग पर्सन, इसलिए मैंने आज तक कभी ओरिजिनल रिलीज नहीं किए। हालांकि 2 रिलीज पड़े हुए हैं इनफाइनाइट एवरीवेयर, पर बहुत सारे 25 सॉन्ग मेरे ऑलरेडी
प्रोड्यूस्ड रेडी टू रिलीज पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने सारे लिख के यू नो प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं। ये माय प्रोफेशन, वी आर प्रोड्यूसर्स फर्स्ट, उसके बाद वी गेट इनटू, वी गॉट इनटू सिंगिंग एंड ऑल। हम जब सॉन्ग करते तो हम चाहते कि लोगों तक पहुंचे और उसी के लिए बस वेट करेंगे, हम पहुंचा नहीं सकते इतने अच्छे अच्छे तरीके से। यस, सो वेटिंग फॉर द मोमेंट, बट या जल्दी अभी सुनने को मिले ओरिजिनल्स भी। कव्वाली क्यों चुनी आप लोगों ने कि आपको यही करनी है? क्योंकि आप लोग बहुत सारी कव्वालियां गा रहे थे वहां पे ऊपर स्टेज पे, सिर्फ कव्वाली या फिर दूसरे सॉन्ग्स भी चलते हैं बॉलीवुड के? सो हम कव्वाली परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ फोक करते हैं, रीजन फोक करते हैं, सब सब स्टेट का अपना अपना एक बहुत ही प्यारा सा फोक संगीत का जाम है। तो जो जो अच्छा अच्छा लगता है और लोगों को जो पसंद है वैसे गाने भी पिक, एंड या कव्वाली फोक रीजन फोक एंड कबीर के गाने हैं वो भी करते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली बॉलीवुड सूफी सॉन्ग्स जो भी बहुत प्यारे प्यारे अमेजिंग अमेजिंग है, तो वो सब करते हैं। पर एक वही था पहले से, जब भी दिमाग में आया कि जो भी इन पार्टी यू नो फॉर्म करना है तो सबसे पहले दिमाग में वही था कि एक जो ट्रेडिशनल तरीका है, इट्स नॉट दी ओनली वे बट बहुत सारे तरीकों में से एक ट्रेडिशनल तरीका, एक ऑथेंटिक तरीका, यू नो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसको प्रेजेंट करना, वो फील करना ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे यू नो था कि वाह क्या महसूस होती है ये चीज़। तो हमें उसी चीज़ को आगे लेके जाना था कि उसी चीज़ को आज की यूथ तक भी यू नो पहुँचाए, कि सिर्फ तबला और हारमोनियम से भी काफ़ी कुछ हो सकता है अच्छा, काफ़ी कुछ प्यारा सा हो सकता है। तो बस वही कोशिश है। That's great. आखिर में आप तो जोगी हो गए, आपकी पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए बस। डेफिनेटली, सो ध्रुव सोनी जो हमारे गिटार प्लेयर, मैंडोलिन प्लेयर और पता नहीं आईपैड से क्या क्या बना है, अनुराग मिश्रा, उनका नाम माता प्रसाद मिश्रा है वैसे पर हमारे लिए तो अनुराग ही, माता प्रसाद मिश्रा ऑन हारमोनियम, सॉरी हारमोनियम, ब्रिजेश सर ऑन तबला, we have amazing chorus team, है ना, जो कि मैंने बताया कि tough to clap for 2 hours straight, so we have Archana, Krishi, Jugal, Dabal on chorus team and this is Jogi. COEP College के Impressions 2023 में The Jogi Experience के गानों और आवाज़ को सुनकर सभी उनकी दुनिया में खो गए, शायद यही है The Jogi Experience. Nisha Sharma, Nav Bharat Digital, Pune. Thank you.